नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई सेल बाई लेवल एंड सेल लेवल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो वो कल मैंने जो व्यू दिखाया था और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो फाइल शेयर किया था उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आज आप लोग को दिखाऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। ये व्यू रेगुलर इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू आप बाय लेवल एंड सेल लेवल 100 ईएमए स्ट्रेटजी इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और फिबोनाची का लेवल जो मैंने रेगुलर बेसिस पे आप लोग को दिखा देता हूँ वो आप लोग को मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मिल जाएगा और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये जो फाइल आप लोग को डाउनलोड करने का लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकता है फ्री ट्रायल के लिए, वो भी उसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वो भी आप लोग को देख ले जरूर देखिएगा। तो देखिए इसमें बाई सेल लेवल कम स्किनर बाई सेल लेवल एंड सेल लेवल कम स्किनर वन और बाई सेल लेवल थ्री मैंने दो फाइल शेयर करता हूँ। तो इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करता है वो वीडियो पिछले वाला वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, उसको मैंने आज का परफॉर्मेंस आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखते हैं मैंने जो आप लोग स्क्रीनिंग भी खुद स्क्रीनिंग कर ले सकता है और मेरा भी कुछ रिकमेंडेशन देता हूँ तो उसको आप लोग उसको भी आप लोग देख सकता है। मैंने एक दो करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। सोच लीजिए मैंने IGL को दिया था तो IGL का कैसे मूवमेंट रहा, कल का परफॉर्मेंस कैसा रहा कल का बेसिस पे वो एक बार देख लेता है। IGL ये 415.40 इसका बाई लेवल था और इसका सेल लेवल था 415.340 बाई लेवल था, 412.55 सेल लेवल था। तो इसका मैंने चार्ट पे एक बार देखना चाहता हूँ। आज का 419 ऊपर गया था, 407 लो हुआ था, ये आप लोग को इधर से भी देख सकते हैं। इधर मैंने फाइल डाउनलोड कर लिया था और कल जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया था वो मैंने डाउनलोड किया था। तो देखता है इधर आ जाता है, देखिए इधर इसका लो था तो उधर मतलब नीचे का लेवल आया नहीं था। तो देखिए इधर 407 में ये उसी का लो था, उसके बाद जब 415 के ऊपर गया था, 415 का इसका इस फाइल में 415.40 का ये बाई लेवल था। उधर ये जब गया था 415. इधर देखिए 410 के 412 इधर 412 उसके बाद 415 के ऊपर जब गया है, 415 के जब ऊपर गया था ये 419 तक हाई चला गया था। तो इस फाइल से ये देखा आप लोग देख सकते हैं। इस फाइल में एक बार देख लेते हैं, मैंने दो फाइल शेयर करता हूँ। इधर क्या लेवल था, इधर 422 हाई का लेवल था और 414 सेल का लेवल था, इसमें फाइल में कुछ लेवल आया नहीं था। तो बाई सेल लेवल देख और भी बाई सेल लेवल देखता है। RBL बैंक दिया था, RBL बैंक को एक बार देख लेता है। RBL बैंक में देखिए 346 इसका 346.70 इसका हाई था और बाई लेवल था 341.40 इसका सेल लेवल था। तो RBL बैंक को एक बार देख लेता है, RBL बैंक कहाँ पर है एक बार देख लेना पड़ेगा। RBL बैंक मैंने बाई लेवल एंड सेल लेवल जो देता हूँ उसके बाद इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100 EMA सभी एक एक करके दिखाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए RBL बैंक का 3 किया था मतलब बाई का लेवल मिला है। तो RBL 346 का इसका हाई लेवल था 346.70, तो 346 के ऊपर कहाँ पर गया था एक बार देख लेता है। 346 के ऊपर इधर जब गया था, 346 के ऊपर गया था और इसका बाद ये हाई दिया था 348.70 इसका हाई गया था। तो ये आप लोग और भी एग्जांपल दिखा सकता है आप लोग को। मैंने दूसरा एग्जांपल मतलब जो स्ट्रैटेजी है मैंने 100 EMA का एक स्ट्रैटेजी बनाया है जो 100 काल का हाई लो, जब कोई भी स्टॉक्स जब काल का हाई लो 100 डे मूविंग एवरेज जब
कल का हाई लो को मतलब अगला दिन का प्रीवियस डे कैंडल का काट कर करेगा जो जो 100 डे में का उसका हाई लो जब आज का कैंडल उसका हाई लो कल का हाई लो जब तोड़ेगा तो ये प्रॉफिट देता है। तो कनाडा बैंक देखता है 214 और 207 में कनाडा बैंक कैसे परफॉर्म किया एक बार देख लेता है। कनाडा बैंक इधर ही है, देखना पड़ेगा कनाडा बैंक। कनाडा बैंक 209 202, तो इधर कल का हाई लो कल का हाई था 207, कल का हाई था 214 और 204 इसका कल का लो था, तो 214 तो ऊपर गया नहीं पाया और इसका लो शायद ओपन होते ही निकल गया। इसको देखते हैं, देखिए वन डे का चक्का जो ये सॉरी इधर डे में लगा नहीं है मैंने, इधर 100 डे ये में नहीं है, ठीक है। तो जब इसका जो कोई भी कैंडल जब अगला दिन सोच लीजिए ये जो अगला कैंडल है इसको काट करना है, यही स्ट्रैटेजी है। तो उसको जब उसका हाई लो जब नेक्स्ट डे में ब्रेक होता है तो अच्छा प्रॉफिट आता आने का पॉसिबिलिटी होता है, तो यही स्ट्रैटेजी है इसका। तो देख लेते हैं कमिंस इंडस्ट्रीज को, कमिंस इंडस्ट्रीज को कटा है उसको एक बार देख लेने का कोशिश करता हूँ। कमिंस इंडस्ट्रीज हाँ ये है कमिंस इंडस्ट्रीज, इसका कल का हाई लो था, कल का हाई लो एक बार देख लेता है, कल का हाई लो था 582 85 और 570 हाई वाला लो था, तो आज का है वो 582 70 और इधर 570 के नीचे शायद 564, लेकिन मेरा ख्याल से ये ओपन होते ही ये निकल गया, हाई लो मार दिया था, देखना पड़ेगा एक बार। हाँ ये सब है नीचे, ये 570 के नीचे 570 नीचे गया, ठीक है। और भी स्ट्रैटेजी है वो देख लेता है, इधर सोच लीजिए ग्रासिम को देख लेता है। ग्रासिम ट्रेड लेने का जब मौका मिल नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेड लेने के बाद लॉस नहीं होना चाहिए। तो देखिए 756 इसका हाई था, 735 50 इसका लो था, तो ये 700 इधर कितना था 756 भी ब्रेक नहीं कर पाया और इधर जब ये 735 लो का शायद ओपन होते ही निकल गया। जो ये 100 ईएमए का स्ट्रेटजी एक बात बोलता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप लोग इधर से चुन लीजिए इनसाइड द बार कौन सा कैंडल में फॉर्म होता है, उसके बाद उसका 7 डेज 5 डेज 3 डेज और 5 डेज और 1 डेज का हिसाब से जो ये बना है फिबोनाची का लेवल है। इधर मैंने फिबोनाची का लेवल और आप लोग देख सकते हैं 7 डेज 3 डेज 30 डेज, मैंने वीडियो में अगला वीडियो में भी बोल चुका हूँ 5 डेज 3 डेज 2 डेज और 1 डेज का हिसाब से, और उसका भी हायर लेवल में भी आप लोग कर सकते हैं 15 डे 30 डे और 1 ईयर का हिसाब से भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद एंट्री ले सकते हैं। कैसे कर सकता है मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। सोच लीजिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये NR4 NR7 मतलब करेंट डे का हाई लो ब्रेक होने के बाद आप लोग को एंट्री लेना चाहिए था 2931 2918, तो इन देखता है हिंदुस्तान यूनिलीवर NR4 NR7 में ब्रेक हुआ तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन नहीं होने से भी आप लोग फिबोनाची लेवल देखे वो कम करने के से और भी अच्छा होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए 2931 को ब्रेक करके ये 2936 तक गया था और 2914 ब्रेक करके ये 2908 तक 6 तक आया था, तो देखते हैं एक बार शायद आज का जो लो है वो शायद आज का लो पहले ही नीचे आ गया था, तो उसके बाद ये 2931 ब्रेक होके 2936 गया था, 2931 जब ब्रेक किया था 2931 जब ब्रेक किया था 2936 तक गया था। ये तो ये जो स्ट्रैटेजीज है और ये जो स्ट्रैटेजीज है और ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, बहुत सारा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आप लोग